नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म दो आंखें बारह हाथ की। इस फिल्म का निर्देशन किया था वी शांताराम जी ने और इस फिल्म में उन्होंने ही प्रमुख भूमिका निभाई थी और अभिनेत्री के रूप में उनकी पत्नी संध्या जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी। इस फिल्म की कहानी जेल के कैदियों के सुधार को लेकर थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि उस जेल का जेलर, जिसका नाम आदिनाथ है, वह जेल के छह खतरनाक और दुर्दांत अपराधियों को जेल से बाहर लाकर उनको सुधारने का काम करते हैं, ताकि ये जो खतरनाक अपराधी हैं उनको मुख्य धारा में फिर से लाया जा सके और समाज से जोड़ा जा सके। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया राज के दौरान एक राजा ने जेल फ्री एक्सपेरिमेंट का सुझाव दिया था, जिसके तहत उनका कहना था कि कैदियों को कारागार में न रखकर उनको सुधार गृह में रखा जाए और उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उनका यह भी कहना था कि कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता, या तो समय या परिस्थिति ही उसको अपराधी बनाता है, तो क्यों न उसे एक बार अवश्य मौका मिलना चाहिए इस समाज में फिर से जुड़ने का। तो वी शांताराम जी, जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया था, एक बार अखबार पढ़ते हुए उनकी इस आर्टिकल पर नज़र गई तो वहाँ से उन्हें दो आंखें बारह हाथ फिल्म बनाने का आइडिया आया। इस फिल्म के दो सीन बहुत ही शानदार हैं। एक सीन वह था जहाँ जेल का जेलर आदिनाथ सारे कैदियों को लेकर एक जर्जर फार्म हाउस में वो रहा करते थे और उन्होंने सारे कैदियों को खेती के काम में लगा रखा था और उन सभी खूंखार कैदियों को सब्जी उगाने का जिम्मा दिया गया था। एक बार आखिर तंग आकर यह छह खूंखार अपराधी जेलर आदिनाथ को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। अब इन छह कैदियों में से जो नाई होता है उसको यह काम सौंपा जाता है, क्योंकि वह अक्सर आदिनाथ का दाढ़ी बनाया करता था ताकि उन्हें शक भी ना हो और ये अपना काम आसानी से कर सके। लेकिन वह दिन जब जेलर आदिनाथ का दाढ़ी बनाने वह नाई आता है तो दाढ़ी बनाते बनाते उसके हाथ कांपने लगते हैं और जेलर पूछता है, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो फिर वह डरते डरते बता देता है कि मैं आपका गला काटना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है। वह कहता है, जब भी आपके खिलाफ जब हम कुछ करने की सोचते हैं और जब हमारी आँखें आपकी आँखों से मिलती है तो आपकी आँख में भगवान की आँख नज़र आती है और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारे शरीर की ताकत चली जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर कुछ करने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। यह सीन बड़ा ही सशक्त और मार्मिक था। और दूसरा फिल्म का एंडिंग सीन आपको याद होगा, जब जेलर आदिनाथ को इन लोगों को सुधारने का काम शुरू करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया था तो एक बार वह सब्जी मंडी में सारी उगाई हुई सब्जियों को लेकर बेचने जा रहे थे तो सारे छह अपराधी बोलते हैं कि आप मत जाइए, हम सब लोग चले जाएंगे। जिस पर आदिनाथ बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मंडी में जो दलाल है वह ज़रूर तुम लोगों को हानि पहुँचाएगा, इसलिए तुम लोग मत जाओ, मैं ही जाऊंगा। तो ये छह अपराधी काफ़ी जिद करते हैं और बोलते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वह चाहे अगर हमसे झगड़ा करेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे, तो भी हम उन पर हाथ नहीं उठाएंगे। तो ये छह अपराधी आदिनाथ से वादा करके सब्जी मंडी में बैलगाड़ी लेकर सब्जी बेचने चले जाते हैं। तो सब्जी मंडी का जो दलाल था वह पहले से ही लठैत लेकर तैयार था, इन छह लोगों को देखते ही अपने गुंडों से इनको पिटवाता है। पर एक छह कैदी चुपचाप मार खाते जाते हैं, सहे जाते हैं, लेकिन उन पर हाथ नहीं उठाते। तब इस फिल्म की मुख्य नायिका संध्या जी, जिनका इस फिल्म में नाम था चंपा, वह बाज़ार में इन लोगों को देख लेती है कि गुंडे लोग इनको लाठियों से मार रहे हैं और वो लोग घायल पड़े हुए हैं। तो चंपा उन गुंडों से उनको बचाते हुए इन छह कैदियों को बैलगाड़ी में लाद कर वापस अपने स्थान पर ले आती हैं। और जब जेलर आदिनाथ को पता चलता है कि मंडी के दलाल के गुंडों ने इन पर हमला किया है और बुरी तरह से इनको डाठी डंडे से मारा है और इन कैदियों ने उन पर हाथ तक नहीं उठाया, चुपचाप मार खाते रहे और सहते रहे, तो इनको खुशी हुई और हर्ष हुआ कि जिस काम में मैं इतने जद्दोजहद से काफ़ी समय से लगा था, लगता है वह काम में मैं अब सफल हो गया। इस वक्त तक रात काफ़ी हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि सब्जी मंडी का जो दलाल था वह कई सारे सांड इनके खेतों में छोड़ देता है ताकि इनकी जो सब्जियां हैं उगाई हुई वो सब बर्बाद हो जाए। और देखते ही देखते सारे सांड खेतों में उगाई हुई सब्जियों को रौंद डालते हैं और एक सांड आगे बढ़ता हुआ
जहाँ पर 6 कैदी लोग लेटे हुए थे घायल अवस्था में, उसकी तरफ वो सांड दौड़ता हुआ आता है और आदिनाथ देखकर समझ जाते हैं कि अगर ये सांड को नहीं रोका तो इनको कुचल देगा। तो वह सांड से जा भिड़ते हैं और गुत्थम गुत्थी में आदिनाथ को बहुत ही गंभीर चोट लग जाती है। तब तक शोरगुल सुनकर कैदी लोग जाग जाते हैं। हालांकि सांड तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सांड के साथ इस गुत्थम गुत्थी में गंभीर चोट लगने के कारण जेलर आदिनाथ की मौत हो जाती है। इन 6 कैदियों पर जेलर आदिनाथ का अचानक इस तरह से चले जाना इन पर गहरा असर डालता है और इनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तभी वहाँ जेल का सुपरिटेंडेंट आकर यह समाचार सुनाता है कि जेलर आदिनाथ ने जो मुहिम चलाया था तुम लोगों को सुधार को लेकर, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनका काम सफल रहा। सरकार ने तुम सभी 6 कैदियों को रिहा कर दिया है, अब तुम अपने अपने गांव जा सकते हो। इस पर सारे कैदी बोलते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि जेलर आदिनाथ, जिन्हें सारे कैदी प्यार से बाबूजी कहा करते थे, उन्होंने कहा बाबूजी ने हमें यहीं रखा, यहीं पर सिखाया, यहीं पर हमें इंसान बनाया। हमें यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि बाबूजी तो अभी नहीं है लेकिन उनकी आँखें अभी भी हमें देख रही हैं, तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और यहाँ पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही सशक्त और बहुत ही मार्मिक थी और यह फिल्म सिर्फ देशों में नहीं विदेशों में भी काफ़ी विख्यात रही। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1957 में और इस फिल्म ने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बियर का खिताब जीता था। और इस फिल्म में आदिनाथ का सांड से जो लड़ने का सीन था, तो वो सीन फिल्माने में इनकी आँख की रोशनी एक तरह से चली गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट कराने के बाद उनकी जो विजन है वापस आ पाई थी। इस फिल्म का ये गाना ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जो बहुत ही प्रचलित रहा, यह गाना उस जमाने में लगभग सारे जेलों में प्रार्थना के तौर पर इसे गाया जाता था। तो दोस्तों, यह था वीडियो भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म 2 आँखें 12 हाथ के ऊपर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस क्लासिक फिल्म 2 आँखें 12 हाथ से जुड़ी हुई जो भी रोचक किस्सा मैंने आपसे साझा किया आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।